उसे कोई चोट भी ना पहुंचे। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल स्वागत है आधे रेसिपी पदम से यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हमारा रेसिपी वाला है रानी रोड से, वहाँ पर कोई स्कूटी के अंदर सांप घुस गया। एक कोई लेडीज है उनकी स्कूटी में सांप घुसा, तो वहीं चलकर देखेंगे कि सांप कौन सा है। आप अगर कहीं नहीं हो तो प्लीज़ बने रहें। रानी रोड के जस्ट सेंटर मतलब जो जहाँ से फतेहपुर जाते हैं वहीं से हम स्टार्ट वहीं खड़े हैं। तो मेरे साथ में टीम में नरेश वैष्णव और रवि सालवी है। तो आप वीडियो बने अंत तक कहीं जाए ना, आवाज जाए नहीं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आइए रुकते हैं। तो दोस्तों अभी स्कूटी हम खोल रहे हैं, आप देखते हैं बिल्कुल रानी रोड के सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं हम बिल्कुल। अभी तक स्नेक हमें देखा नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, जैसे सावधानी बरतना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक इंडियन रॉक पाइथन का बच्चा बैठा हुआ है, जिसे लोग आम भाषा में अजगर कहते हैं। ये एक नॉन वेनमस है कि दोस्तों इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। ये बेबी पाइथन है, आप स्कूटी के अंदर इंजन है, इंजन के जस्ट पास ये बैठा हुआ है। उदयपुर में दोस्तों उदयपुर वासियों को पता है कि फतेह सागर एक बहुत फेमस लेक है, उसके जस्ट पीछे बैक साइड रानी रोड जिसे रोड कहा जाता है, वहीं पर एक स्कूटी के अंदर इसने एक इंडियन रॉक पाइथन अजगर का बच्चा बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इनके ओनर से भी मेरी बात हुई तो पता चला कि यहाँ के लोग जो आसपास के लोग जा रहे थे उन्होंने इनको बोला कि ये एक जहरीला सांप है, चीते का बच्चा, जिसे लोग हम लोग इंग्लिश में रसल वाइपर कहते हैं, पर बिल्कुल गलत, ये एक इंडियन रॉक पाइथन है, इंडियन रॉक पाइथन का बच्चा है। और अभी देखते हैं आप मानसून के टाइम, अक्सर मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया था कि स्नैक्स अक्सर जूतों के अंदर गाड़ियों के अंदर जाके बैठ जाते हैं, तो अभी आपने देखा कि एक अजगर का बच्चा गाड़ी के अंदर बैठ गया। तो इसलिए हमारी लोगों को से ये अपील है कि आप कभी भी शूज़ पहने और अपनी गाड़ी में बैठने से पहले एक बार ज़रूर चेक करें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये तो दोस्तों नॉन वेनमस स्नेक है, अगर वेनमस स्नेक हुआ तो कभी हादसा हो सकता है। तो कभी भी आप शूज़ पहने या गाड़ी चलाने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें बैठने से पहले। तो अब इसका रेस्क्यू करते हैं दोस्तों, तो अब इसका रेस्क्यू करते हैं बिना समय लिए। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और लोगों से भी कराएं, ताकि जो लोग स्नेक बाइट से मर रहे हैं वो मरे नहीं, हमें कॉल करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर 9414234826982958592722। तो आइए दोस्तों इसका रेस्क्यू करते हैं। तो दोस्तों इसको रेस्क्यू करते समय आपके हाथ में एक कपड़े की पॉलीथीन या फिर अभी आप देखते हो आगे की तरफ जा रहा है, तो कोशिश है पूरी उससे कि तरीके से बाहर निकाले, उसे कोई चोट भी ना पहुंचे। दोस्तों ध्यान से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर चोट लगने का चांस ज़्यादा है। अब उसकी कोई इंटेंशन या हमारी इंटेंशन नहीं है कि उसे चोट पहुंचे, इसलिए बिल्कुल वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर घुस रहा है। अभी आप देखते पूरे बेबी पाइथन को हमने बाहर निकाल दिया। एक बार मैं इसकी बनावट आपको दिखाऊंगा किस तरह दिखती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये लगभग बेबी अभी कम से कम एक फीट के आसपास का, तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा ना हो इसलिए हम इसे तुरंत डालेंगे बैग में और फिर आपके सामने जंगल भेज करेंगे। तो अब टीम पर डाल रहे हैं इस बैग में।
तो आप देख सकते बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट हो जाएगा, उसे रिलीज़ किया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पास में पानी भी है। तो दोस्तों ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। जंगली जीवन, जय हिंद जय भारत।